I guess I kinda like the way you numbed all the pain. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone. Hey guys, Assalamualaikum, this is me called Fatima. Welcome back to my YouTube channel. I hope आप सब लोग ठीक ठाक फिट फाट होंगे. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू. सीरियसली जितना आप लोग का प्यार मोहब्बत चाहत मिली, इट्स रियली मीन्स अ लॉट. एंड वीडियो काफ़ी लेट हो गई क्योंकि मोस्टली बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थी, इसलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सकी. और ये ब्लॉग है बारात का. जी, ये है व्लॉग बारात का, और हम जा रहे हैं बारात लेके. और वो आप लोगों ने बचपन में मेरा सॉन्ग था, बहुत फेवरेट था, तो वो आज मेरा गाने का मन गया. छोटे छोटे भाइयों के बड़े भैया, आज बनेंगे किसी के सैया. ऐसे एक्चुअली सैया तो कब से बने हुए थे, बस हम दुल्हन को ना रुख्सत करके लेके जा रहे हैं, है ना. तो हम बारात लेके जा रहे हैं गुजरांवाला. और मेरी लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस था गुजरांवाला, क्योंकि मैंने लाहौर और कराची के अलावा कोई भी सिटी नहीं देखी. क्योंकि एज यूजुअल बॉर्न तो मेरी स्विट्ज़रलैंड की है, उसको इग्नोर कर दो, लेकिन मैं लाहौर और कराची के अलावा मैंने कुछ भी नहीं देखा. तो हम बारात लेके पहुंच गए, लड़कियों लोग की तरफ ढोल धमाके, और हमने बिल्कुल गाड़ी आगे कर दी थी, बिल्कुल ड्राइवर ने आगे लगा दी थी, वरना ना थोड़ा बहुत टुमकी टुमकी कर लेते, बल्ले बल्ले हो जाता, लेकिन वो बल्ले बल्ले नहीं हुआ. हम इंतज़ार कर रहे थे पीछे बारातियों का, उनके साथ फिर एंटर हुए, फिर अंदर गए. हमारा दूल्हा जो है ना वो आगे, और माशाल्लाह हमारे लिए दूल्हा था ना बहुत प्यारा लग रहे थे. और मेरे घरे भाई अच्छे तो लगेंगे भाई, माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे थे. और हमारा दूल्हा मेरे लिए हमें रेडी हो चुका हुआ है. और यह मशीन जो बहुत ज़बरदस्त मज़े वाला भी है. लड़की वाली जो है वो रास्ता रोका ही एक्टिंग कर रहे थे, लेकिन एज यूजल हम जीत गए. हम लोगों ने पार कर लिया, और हम लोगों ने बिल्कुल भी नहीं, हम लोगों ने भी कही गई, उनके जीजा जी ने भी दिए, तो हम क्या करें हमारे बारे में. ऐसे ये किसी ने कहेगा ऐसे एंटर होंगे, यूँ ही रास्ता रोकी होगी, और कुछ भी नहीं मिला. आगे जाके देखेगा हुआ क्या. लेकिन यहाँ पर बहुत इंजॉय किया हम लोगों ने, बहुत इंजॉय किया, क्योंकि कवल की जो ये ना पहली शादी थी, जो कवल इंजॉय की, कवल ने इंजॉय की मतलब अटेंड भी की, क्योंकि फैमिली मेम्बर्स में मैंने कोई भी शादी ऐसी की नहीं जो मैंने अटेंड नहीं की. मैक्सिमम 5 से 6 से 7 लोगों की शादी हो चुकी, 5 से 7 लोगों की शादी हो चुकी है, जिसकी में से अली भाई की मैंने अटेंड की, ठीक है. और अरेंजमेंट बहुत ज़बरदस्त थी, माइंड ब्लोइंग, सुपर. हार देने वाली लड़कियों ने, लड़की वालों ने अरेंजमेंट की हुई थी, सीरियसली मज़ा आ गया. 100 of 100 दूँगी मैं, क्योंकि लड़की वालों ने एक से एक डिश थी, 99 डिशेस थी, बूफे ऑसम था, कि कोई चीज़ ऐसी नहीं थी कि मतलब सोचा था बनी इसमें से कौन सी चीज़ खाए. मुझे चाय बहुत मज़ेदार लगी, सीरियसली. और ये जो है हमारे सारे फैमिली मेंबर्स, इसमें कोई भी थर्ड पर्सन नहीं है. इसमें मेरी खाला है माशाल्लाह से, मेरे मामू हैं, और मेरी क्या नाम है मामी है, मेरे सारे कज़न्स हैं. और सीरियसली मैं, क्योंकि वेटर्स ने बहुत मैं कोऑपरेट किया, मैम आपको कोई चीज़ चाहिए फ़ौरन से, चावल ठंडे हो गए तो चावल वापस चेंज करके गर्म चावल लेके, गर्म सालन, हर चीज़, मतलब उन्होंने लड़की वो लोग, मैं कहूँगी A to Z हमने बहुत अच्छा ट्रीट किया, सीरियसली बहुत अच्छा किया, और मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया. और मैंने यहाँ पर कहना कि बड़ा गोश्त भी था, खीर भी थी, चाइनीज़ भी था, बिरयानी भी थी, कौरमा भी था, मतलब एंड फ्रूट्स भी थे. और मैं उसमें ये सोच रही बंदा खाए क्या, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा फूडी लवर नहीं हूँ, लेकिन सीरियसली मुझे बहुत मज़ा आया. मैंने कहा चलो भाई खा पी लें, क्योंकि सफ़र बहुत लंबा था, और शादी वाले घर में तो खाना पीना ही भूल गए. सुबह से तैयार हो, काम करो, रेडी हो, चलो, तो खाना पीना तो इंसान भूल ही जाता है. और ये मेरी नीस है माशाल्लाह से, कज़न की बेटी है, और ये मेरी खाना में ये भी नीस थी, एंड ये मामा, और ये हमारा सारा पूफे खाना.
जी मेरे सारे कजन्स आपको दिखेंगे, और ये लड़कियों लड़की के नाम है, भाई हैं माशाल्लाह से, वो जो हैं वाइट ड्रेस में वो मेरी कज़न है शहरी शापा, और ये चाइनीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, सीरियसली ऐसे बोलूँ कि मुझे चाइनीज़ बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, इसलिए मैं तो बहुत मज़े से इंजॉय करके खाया, खा पी के मैं मोटी ताज़ी होके आई हूँ लाहौर से, डोंट वरी आगे कवल मोटी ताज़ी होके गोलगप्पा बन के आई है तो दोबारा पतली हो जाएंगे। मामा मरियम मेरी सारी कज़न्स और नीस भी हैं, और मामी है मेरी, मेरी छोटी कज़न है, तो मतलब सारे, मतलब ये शादी में कोई ऐसा बंदा नहीं था जो नहीं था, लेकिन सारे लोग थे सीरियसली। हम पूरी पंडन ना बरात लेके, क्योंकि हमारे माशाल्लाह से फैमिली मेम्बर्स इतने ज़्यादा थे, कोई थर्ड पर्सन की जगह ही नहीं थी, क्योंकि थर्ड पर्सन की जगह नहीं थी, और ये मेरी खाला कज़न्स नीस मामा मामा के कज़न्स, मतलब जो मेरे छोटे नाना बुगी फैमिली भी प्रॉपर थी, सच नाना बुगी पे फैमिली थी, मतलब सब थे, कोई बच्चा नहीं था कि कोई बच्चा हो, और सीरियसली बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि मैंने कोई ऐसी रस्में वगैरह देखी नहीं, क्योंकि मैं बहुत कम होता कि कराची में भी मैं कोई शादी अटेंड करूं, लेकिन फैमिली मेम्बर्स की शादी थी पहली और जो मैंने अटेंड की, सीरियसली मैंने बहुत इन्जॉय किया, बाकियों का पता नहीं। एंड ये जो आ रही हमारी चाय, और चाय भी थी कश्मीरी चाय, सीरियसली गरम गरम मेरी चाय सीरियसली, और थकावट बहुत हो रही थी कि भाई सीरियसली थकावट के, सफ़र भी था 2 घंटे का, और सीरियसली सुबह से काम तैयार वगैरह, तो उसमें सारा टाइम निकल गया। और यहाँ पर आ रहा हमारा फ़ोटोशूट, फ़ोटोशूट में ये सीन हुआ था कि मैं अगर कोई अपनी भी पिक्चर्स कैप्चर कर रही या वीडियो बना रही हूँ, तो वो मेरी वीडियो कैप्चर भी कर रहे हैं और मेरी वीडियो भी बना रहे हैं, तो मैं आगे जाके सीन दिखाऊंगी जिसमें मैं घूम रही हूँ, तो मैं अपनी एज आ वीडियो बना रही थी अपने लिए, तो उन्होंने भी वो कैप्चर कर ली। और ये जो है पूरी पंडन, और ये दूल्हा, और मेरी कज़न, मेरी माना मापा माशा से मेरी जान है ना मापा शरी शापा, और वो दूल्हा, ये मेरी तीनों आपा और मेरी माशा से जान है, तीनों बहुत तीनों अनम आपा शरी शापा बतूल आपा, और बतूल आपा से काफ़ी टाइम के बाद मिले, और ये देखिए वो सीन मैंने आप लोगों को बताई थी मैं घूम रही थी, तो वही सीन मैंने कैप्चर भी कर लिया। और काफ़ी लोगों ने मुझे पूछा था कि कावल आपने अपनी सारी ड्रेस मेकिंग कहाँ से लिया है, मैंने सारी अपनी शॉपिंग A to Z कराची से की। तुम मिले तो लम्हे थम गए, तुम मिले तो सारे लिबर्टी से ली थी, बाकी मैंने A to Z ज्वेलरी हो गई, मेकअप हो गए, जींस हो गई, बैग हो गए, हर चीज़ मैंने तारी रोड डॉलमन से ली थी। डॉलमन आप लोगों को पता होगा जो कराची में डॉलमन मॉल कराची तारी रोड की ग्राउंड है, वहाँ से मैंने A to Z शॉपिंग की थी, वहाँ पर आपको सारे ब्रांड्स मिल जाएंगे। और मैंने जो पहने थे ज़ारा रुबाब का सूट पहना हुआ था, और मरियम ने नाकुश का पहना हुआ था, मैं मामा का मेंशन कर दूँगी, वैसे मैं पिक्चर्स वगैरह अपलोड करती हूँ इसमें सारा मेंशन होगा। और ये आई थिंक हमारी भाभी की एंट्री होगी, और माशाल्लाह से हमारी भाभी बहुत प्यारी लगी थी, प्यारी भाभी माशाल्लाह तक बोलना चाहिए माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, तो ये वीडियो काफ़ी देर बाद माशाल्लाह। और ये जो मेरी कमान है, मेरे का नाम है, उनको ये चिंता कि इन्हीं की ध्यान आ गया, इसलिए अपने घर में भाभी है, लेकिन जो हमारी भाभी ने सोच लगी तो वो बनी, वो बड़ी बड़े प्राइज बनेगी, थोड़ा हो गया, लेकिन उसने बहुत मुश्किल का ख्याल रखा कि अपने का नाम है माइके से भी शादी कैन करना है, घर से भी करना, तो उनके लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी उन्होंने मैनेज किया, हमारे साथ आती थी, तो भाभी देखिए अभी भाभी है तो भाभी के साथ ना खड़ी होती, तो ऐसी मुझे बहुत मज़ा आया। और माशाल्लाह से मेरी भाभी के भाई बहुत अच्छे थे, बहुत मतलब उन्होंने बहुत डिस्टर्ब किया, बहुत स्वीट, बहुत फैमिली भी बहुत, सीरियसली मेरी भाभी की जो फैमिली थी स्वीट सही, मतलब गुजरा हमारी लाइफ रहते, गुजरा हमारे कितने लाते मतलब खुश होते हैं, कुछ लोग खुश होते हैं, खुश होते हैं, और हम सारे फैमिली मेम्बर्स को बहुत अच्छे से ट्रीट किया, हमारी भाभी आवाज़ स्टेज पे और मेरी लव
दादा जी ले आ रहे हैं मेरे भाई, भाभी को अंकल हमको कर बहुत अच्छा सीख दिया अब ये नाम रखेंगे तो लेकिन अभी माशा से बहुत छोटा है वो, तो जब वो खुको बोले लगती तो मजा आता है, मगर अभी तक तो खाला ही सुनने को मिलता है, खुको सुनने का नहीं मिला अभी तक, खाला ही सुनने को ऐसा होगा नहीं क्या, बाकी खाला वही ना इतना मज़ा आएगा, खाला नहीं खाला नहीं खाला खाला बोलने सुनता और यहाँ पर और भाभी बहुत अच्छी लगी थी, मछला 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 कॉम्बिनेशन का नाम अली कलर जो था ब्लैक एंड रेड था और भाभी का बंदर रेड था, ऐसे जैसे भाभी का बोल था हैवी का फिर ये हिम्मत है कि चलना और भैया ये हमारे सारे लोग बैठे हैं, मामू आगे मेरी गोगी मामू मामा जानी और येलो में जो है वो मेरी गोगी खाला है और ये जो यू में है मेरी क्या नाम है मामी है, उनके साथ मेरी कज़न है और ये क्या नाम है मेरी क्या नाम है खाला की क्या नाम है टेबल के बच्चे और ये मेरी मामा जानी और फाइट में और काटू कैसे राता हो सावरे जिया नहीं जाता सुन बावरे के राता लंबे आ लंबे आ रे कटे और दूसरा है जो है वो ग्लास लेके करे थे तो जो होना इधर ग्लास तो मेरे पास ही होगा यहाँ वो बहुत मज़े की ना खाते चलते नहीं तो देते हैं और मुझे लास्ट में नहीं पता कि कितनी लूट लगी क्योंकि आज मैंने ना खाला ना कहीं स्किप हो गई थी तो मैं कॉलेज हो गया चली गई मेरे से स्किप हो गया यहाँ बस उन क्या हुआ था क्योंकि बहुत और लाइक मन लाइक ये टू लाइफ की जो बात थी कि मार मैं भूल गई कि कितने कबल आप भूल गई कि कितने दिए थे लेकिन मज़ा हुआ यहाँ पर क्या नाम है डील हो रही थी और जिसने ग्लास पकड़े थे वो डील हो रही हो ग्लास तो मेरे पास है जो ना उसकी वीडियो स्किप हो गई मुझे नहीं ये पता कि ये और सीरियसली मैंने कहा कि हमारी क्यों नहीं मेरा था महंगी होती है वो हम ले हम लड़की लड़कों की तरह से लड़की लड़की आपको कोई भी नहीं मिलेगी दूध दुहाई आपको लड़की कोई भी नहीं मिलेगी क्योंकि भाभी जो थी हमारी साइड पे आई छोटे भाई की उधर नहीं गई भी नहीं था उनकी माजरा से दो बहने हैं छोटे लेकिन साइड पे लड़कों ने ली क्योंकि दो भाई दूध पिलाई ना वो बोला सीन था कि लड़कियाँ मोस्टली कर रही यहाँ पर लड़के करें और बहुत मज़ा आया सीरियसली कि भाई डिमांड जो थी 1 लाख की 1 लाख या 2 लाख की थी तो धीरे धीरे बढ़ती रही कम नहीं हुई तो यही सीन था। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक